हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आर्मी पब्लिक स्कूल के करंट अफेयर्स की क्लासेस यहां पे आपको मिल रही है, रेगुलरली मिलते भी रहेगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लेलिस्ट से जाकर जिन लोगों ने नहीं देखा है सारे वीडियोज देख लीजिए वहाँ से। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपको बस ये बताना है कि मोदी जी वर्चुअली एड्रेस करने वाले हैं युवा शिविर को, ये किस स्टेट के युवा शिविर को संबोधित करेंगे। देखिए क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है, क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा जाएगा कि पीएम मोदी ने युवा शिविर को संबोधित किया है, वो पीएम मोदी ने जो है केरला या दिल्ली या गुजरात या सिक्किम में किस समिति को संबोधित किया है, ये पूछा जाएगा, किस शिविर को संबोधित किया है। तो वहाँ पर युवा शिविर पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन को आप उल्टा या फिर वो बोलते हैं ना ट्रिकी ढंग से पूछना, वो भी देख लेना आप उसको। तो इसका जो फिलहाल राइट आंसर होगा, यहाँ से देख लीजिए, पीएम मोदी ने वर्चुअली यानी कि ऑनलाइन जो है इस एड्रेस को संबोधित किया, कहाँ पर, युवा शिविर इन गुजरात, गुजरात में ये काम हुआ है और मोदी जी ने इसे क्या वर्चुअली जो है एड्रेस किया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि आपके सामने ये रहा, आपको बस ये बताना है कि इनमें से किसने ने वर्चुअली मीटिंग अटेंड करी है कंबोडियन काउंटर पार्ट के साथ। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ से राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, अमित शाह या नरेंद्र मोदी, बात हो रही है कंबोडियन की। तो यहाँ से आप देख पाओगे पीएम मोदी ने कंबोडिया के जो पीएम वहाँ के काउंटर पार्ट हैं उनसे मुलाकात करी और दोनों देश में जो ट्रेड है, ट्रेड वगैरह की बेहतरी के लिए, चीज़ें आगे बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक रिकवरी वगैरह के लिए जो है बातचीत यहाँ पर करी है कंबोडिया के साथ। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। एक्चुअली एक क्वेश्चन मुझे याद आ गया, आपको बस ये बताना है कि हिंदुओं का सबसे बड़ा टेंपल जो है किस देश में स्थित है। नीचे कमेंट करके आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर जो कि आपके सामने ये रहा, सेंटर नोटिफाई 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली टू बी फॉर्मली मर्ज्ड। मर्ज मतलब होता है एक दूसरे में मिला देना। तो पहले 3 म्युनिसिपल MCD थे, इनको मिलाकर एक कर दिया गया। आपको बताना है कि ये कहाँ, एक्चुअली ये हुआ है दिल्ली में, और ये कब इसका जो है ऑर्डर फाइनली ऑफिशियली जो है आया है, ये बताना है आपको। तो यहाँ से आप देख सकते हो दिल्ली के जो 3 MCD है ना, 22 में से तीनों क्या हो जाएंगे, तीनों अलग अलग वर्क करती थी 3 यूनिट के तौर पर, लेकिन अब तीनों मिलकर जो है एक हो जाएगी और एक ही साथ जो है सारे ऑर्डर एक ही जगह से निकलेंगे, सेंट्रलाइज कर दिया गया इसको। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर जो कि आपके सामने ये रहा, आपको ये बताना है कि वो कौन से मिनिस्टर हैं जिन्होंने जो है महाराजा रंजीत सिंह और कौन है एक प्रिंसेस हैं बन्नू पान देई, इनको जो है श्रद्धा सुमन जो है अर्पित करना के लिए जो है ये गए हुए थे। आपको बस ये बताना है कि सेंट ट्रॉपीज में किसने ये जो है ट्रिब्यूट दिया है, अमित शाह ने, राजनाथ सिंह ने, पीयूष गोयल ने या अनुराग ठाकुर ने। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, INB यानी कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर हैं, ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी याद रखिएगा, इन्होंने जो है ट्रिब्यूट दिया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुराग ठाकुर, ये हिमाचल प्रदेश से आते हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर जो कि आपके सामने ये रहा, यहाँ से आप देख सकते हो, रिसेंटली विच कंट्री टू होस्ट ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी कि ब्रिक्स में देखिए कौन कौन सी कंट्री आती है, B4 ब्राज़ील हो गया आपका, यहाँ पे देख लीजिए ब्राज़ील हो जाएगा B4। दूसरा क्या है, R4 रसिया हो गया, I4 इंडिया हो गया, और C4 चाइना, और S4 साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे आपको टोटल 5 कंट्री दिखेगी। तो ये 5 कंट्रियों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा होने वाली है। तो मेजबानी किसने करी है, रसिया ने, चाइना ने, साउथ अफ्रीका ने या भारत ने? तो देखिए इस बार का जो मेजबान था, यहाँ से आप देख पाओगे, चाइना था। चाइना ने होस्ट करी ब्रिक्स के सारे फॉरेन मिनिस्टर, यानी कि जो मैंने अभी 5 कंट्री बताया, सारे 5 फॉरेन मिनिस्टर जो है एक साथ मिलकर बैठेंगे और ये डिस्कस करेंगे बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डेवलप करेंगे एक दूसरे के साथ, कोऑपरेशन कैसे बढ़ाया जाए। तो हमारे तरफ से कौन गए थे, हमारे तरफ से गए थे एस जयशंकर, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर हमारे कौन है, एस जयशंकर है, याद रखिएगा। ये यहाँ से आप उनका पूरा नाम देख सकते हो, सुब्रमण्यम जयशंकर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, उससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, अगर आप आर्मी पब्लिक स्कूल के नोट्स लेना चाहते हो, अगर आपने नोट्स तैयार कर लिया है, नोट्स परचेज किसी से भी मत कीजिए, अगर आपने खुद से तैयारी नहीं करी है तो आप मेरे हैंड रिटन नोट्स ले सकते हो, जिसकी प्राइस बहुत ही मिनिमम रखी गई है, 599 रुपये में आप जो है नोट्स मुझसे परचेज कर सकते हो, ये हैंड रिटन है पहली बात।
दूसरी बात, इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा। और तीसरी बात, जिनके पास नोट्स है और उन्हें सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर लेना है तो वो 100 रुपीज़ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए बात कर सकते हैं। अब आप बोलोगे बात करने के लिए कहाँ से बात की जाए, तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो तो मुझे फॉलो कर लीजिए @imithunsingh पे, वहाँ से आप मुझसे जो है नोट्स या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए इंक्वायरी कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। फर्स्ट वेसल कैरिंग रिलीफ मटेरियल, ये जो है रिलीफ मटेरियल किस कंट्री के लिए ले जा रहा था जो कि चेन्नई पोर्ट से निकला है, श्रीलंका, इंडोनेशिया, जापान या अफगानिस्तान? तो देखिए श्रीलंका में बहुत दिक्कत आ रही है, खाने पीने के सामान वहाँ बहुत बढ़ गए हैं दाम, दवाइयों के दाम जो है 200-300 गुना बढ़ गए हैं। तो हम लोगों ने श्रीलंका की मदद करने की जो है एक छोटी सी पहल की है, और बहुत सारे और एस्पेक्ट में आपको देखिए बहुत सारी जो है एड इंडिया प्रोवाइड करेगा किसको, श्रीलंका को, ताकि श्रीलंका जो है इन चीज़ों से उभर पाए। वहाँ पे पेट्रोल पंप में बहुत सारे लंबे लंबे लाइनें लगती है क्योंकि वहाँ पेट्रोलियम के जो प्राइस है वो हाई हो गए हैं और पेट्रोल मिल नहीं रहा है, गाड़ियाँ रोडों पर ऐसे ही खड़े हैं। तो फिलहाल जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा श्रीलंका। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ईयू यानी कि यूरोपियन संघ, इसे हिंदी में और यूरोपियन यूनियन इंग्लिश में बोला जाता है, उनके जो चीफ थे उन्होंने जो है यूक्रेन को हेल्प करने की बात करी है, एक्स्ट्रा हेल्प करने की बात करी है। देखिए आपको पता ही होगा यूक्रेन और ये जो यूक्रेन और रसिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक्चुअली रसिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया है जिसके कारण यूक्रेन में बहुत सारी समस्या आ रही है। एक छोटा सा कंट्री है, लैंड लॉक्ड कंट्री है, थोड़ा सा एक जगह पे इसे जो है समुद्र का एक्सेस मिलता है और उस पर भी रसिया ने कब्जा कर लिया है। तो इसकी मदद करने के लिए जो है यूरोपियन यूनियन सामने आया है और उसने कितने अरब यूरो देने की घोषणा करी है, तो देखिए इन्होंने 9 बिलियन यूरोज, ये रुपीज़ या डॉलर नहीं है, यूरोज़ है, ये 9 बिलियन यूरोज़ जो है यूक्रेन को प्रोवाइड करेंगे ताकि यूक्रेन जो है अपने कंट्री को रन कर पाए, सोल्जर को पैसा दे पाए और वेपन वगैरह खरीद पाए। फिलहाल पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच स्टेट गवर्नमेंट टू मेक फूड सिक्योरिटी लाइसेंस मैंडेटरी फॉर ऑल इटरीज, यानी कि छोटा से छोटा रेस्टोरेंट हो या बड़ा से बड़ा जो है खाने वाला होटल हो या कुछ भी हो, वट एवर, वहाँ पर आपको लाइसेंस लेना मैंडेटरी कर दिया गया, आपको हर हॉल में लाइसेंस लेना होगा। ये कौन सा स्टेट है, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र या राजस्थान? तो देखिए मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं स्टालिन हैं, MK स्टालिन, केरला के पिनरई विजयन हैं, महाराष्ट्र के सीएम हैं शिंदे साहब और राजस्थान के सीएम हैं अशोक गहलोत। तो ये चारों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए कि कहाँ के कौन सीएम हैं, आप लोग भी जो है पूरे स्टेट के जो सीएम हैं उनका नाम ज़रूर याद कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ से बता दूँ इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा केरला। केरला ही एकमात्र स्टेट है जहाँ पे लेफ्ट पार्टियों की सरकार है, याद रखिएगा लेफ्ट पार्टी जो होती है ना उसमें सिर्फ और सिर्फ एक केरला पे ही राज कर रही है, बाकी बात इंडिया में कहीं भी इनकी सरकार नहीं बची है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ से देख लीजिए, फूड सिक्योरिटी लाइसेंस मैंडेटरी कहाँ पे हुआ है मैंडेटरी, तो यहाँ से देख सकते हो केरला स्टेट मिनिस्टर वेना जॉर्ज, यहाँ से आप इनकी जो है फोटो भी देख सकते हो। और एक और बात मैं आपको बता दूँ ये हेल्थ मिनिस्टर के बारे में, इनको कोरोना में बहुत अच्छा काम करने के लिए ना इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था। रमन मैग्सेसे अवार्ड कहाँ से मिलता है, एशिया से, लेकिन इन्होंने जो है मना कर दिया। और इनका कहने का मतलब था कि सिर्फ इन्होंने अकेले काम नहीं किया है जो इनको अवार्ड मिले, पूरे यूनिट ने, पूरे केरला के लोग जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल थे उन लोगों ने मिलकर जो है इसे अच्छे से निपटाया, इसलिए इन्होंने इस अवार्ड को लेने से मना कर दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए मोदी जी हैदराबाद में मीटिंग करने वाले हैं बीजेपी के लीडर्स के साथ, तो ये जीके का क्वेश्चन है नहीं, पार्टी वाली लीडर ये है, इसे छोड़ देते हैं हम लोग। फिलहाल अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, विच कंट्री स्टार्ट्स बिल्डिंग अनदर ब्रिज अक्रॉस पैंगोंग लेक। देखिए पैंगोंग लेक जो है आपको पता ही होगा इसी के कारण जो है विवाद बहुत बढ़ा था। पैंगोंग लेक आपको मिलेगा इंडिया और चाइना के पास, जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LOC नहीं LAC है। तो यहाँ पे ना दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इंडिया तो एक पार्टी हो गई, दूसरी पार्टी कौन होगा, पाकिस्तान नहीं होगा, भूटान नहीं होगा, पश्चिम बंगाल नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चाइना। चाइना और एक और बात मैं आपको बता दूँ, पैंगोंग लेक जो है ना आपने 3 इडियट वाले मूवी के सबसे लास्ट में जहाँ पे सारे लोग मिलते हैं ना वो ब्लू वाला कलर का आपको जो है झील दिख रहा होगा वही है पैंगोंग लेक, वहीं पे जो है सारी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। चाइना उस पे पुल बनाकर अपना अधिकार जमाना चाहता है और इंडिया बोलता है कि ये हम दोनों का मामला है, आप यहाँ पे पुल वगैरह ना बनाएं, तो बातें चल रही है। और इसका जो राइट आंसर ये से आप इमेज भी इसकी देख सकते हो, ये ब्लू कलर का वाटर है, बहुत ही ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।